अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ द लाइंस बियर्ड। आज हमारे पास है सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी। इस वीडियो में हम आपको इसका इंजन यानी कि बोनेट का कंप्लीट रिव्यू देंगे, इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सुजुकी इस्लामाबाद मोटर्स वालों ने इसको मेनटेन करके रखा है। यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अपने इंजन की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लेबल मौजूद है इंजन माउंटेड, यानी कि यहाँ पर इंजन को माउंट किया गया है, इंजन को बॉडी के साथ जहाँ पर जोड़ा गया उसको इंजन माउंटिंग कहते हैं। और बाकी सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं सिलेंडर हेड कवर, जिसे आप हेड भी कहते हैं आम जुबान में, उसके अंदर हेड गैस्केट लगी होती है। ये आ गया है कैटलैटिक कन्वर्टर, एग्जॉस्ट सिस्टम जिसे कहते हैं, और एच ओ सेंसर, हीटेड ऑक्सीजन सेंसर, कितनी हीट इसने यहाँ पर बर्न कर रहा है। और बेसिकली ये फ्यूल एवरेज के लिए भी काफ़ी एफिशिएंट होता है। रिजर्वायर यानी कि आपने यहाँ पे कूलेंट वगैरह कितना डालना है सारा कुछ, और रेडिएटर का सिस्टम, बैटरी मौजूद है, ईसीएम कंट्रोल मॉड्यूल जिसे कहते हैं। कल्टस में ये विजिबल नहीं होता, थोड़ा सा बैक पे लगा होता है, लेकिन यहाँ पर आल्टो में इन्होंने विजिबल लगाया। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा इसके अंदर मौजूद होता है। इसके बाद हम आते हैं एजीएस यूनिट की तरफ, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पैडल लगा हुआ है, और यहाँ पर एबीएस सिस्टम लगी हुई है, यानी कि एबीएस की पीछे किट भी इंस्टॉल है और आगे एबीएस भी मौजूद है। ये जो सिल्वर कलर की आपको गोल सी किट नज़र आ रही है, ये एबीएस है। इसके बाद हम आते हैं अपनी बाकी चीज़ों की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनटेक एयर सेंसर, जो गाड़ी बताता है कि आपको कितनी एयर चाहिए और उस हिसाब से वो यानी कि सांस कितना लेना है, दूसरे लफ्ज़ों में आप आसान लफ्ज़ों में समझें, ये इसका सेंसर यहाँ पर मौजूद है जो गाड़ी को बताता है। के बाद है थ्रॉटल बॉडी। थ्रॉटल बॉडी जो मेन पार्ट है गाड़ी का, इंजन का, जो कि आपकी गाड़ी की टाइमिंग और मिसिंग सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है कि गाड़ी ने किस तरह परफॉर्म करना और कितनी एक्सेलरेशन इसको चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने कैमशाफ्ट सेंसर की तरफ। कैमशाफ्ट सेंसर बेसिकली, कैमशाफ्ट सेंसर गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल मॉड्यूल के साथ एडजस्ट करता है, यानी कि उसको टाइमिंग, दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं गाड़ी की जो टाइमिंग है, यहाँ पे टाइमिंग बेल्ट इंजन के अंदर मौजूद है, यहाँ पे ये कैमशाफ्ट सेंसर यूज़ किया जाता है। इसके बाद है एसी बेल्ट, जनरेटर बेल्ट सेम है इसके अंदर, एक ही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग मोटर भी मौजूद है, स्टार्टिंग मोटर का लेबल भी इन्होंने लगाया हुआ है, जो सबसे पहले आप इग्निशन स्टार्ट करते हैं तो आवाज़ एक आती है अंदर, वो आपको नज़र आती है। इसके बाद एयर फिल्टर बॉक्स और ये तो ये मुख्तसर सा मैंने रिव्यू दिया है आल्टो 660 सीसी के इंजन का, बोनेट का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल्टस का रिव्यू दूंगा इंजन का, और आपके सामने जो लेफ्ट साइड पर सर्कल नज़र आ रहा है आपको इस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ये ऑन कर लें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।